सका क्योंकि मैंने केपीके से जितनी आवाम आ रही थी उन सब पर रिकॉर्ड करना था, जो आपने मेरे चैनल पर देख ली होगी। मेरी इससे पहले जो वीडियो है वो तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा की है और उसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ कि एट द एंड बैटरी भी लो हो गई और ऑलमोस्ट फ़ोन की स्टोरेज भी फुल हो गई। अब मैं वापस जा रहा हूँ ताकि फुटेज वगैरह को प्रोसेस करूँ। आज जितनी आवाम पाकिस्तान के केपीके से खाली निकली है ना, जो मैंने विटनेस की है, आई डोंट थिंक के पीटीआई ऑफिशियल टीम इतनी ज़्यादा आवाम को अकोमोडेट कर सकती है एट ऑल। लाइक लिटरली एक घंटा पाँच मिनट या एक घंटा सात मिनट, इतनी लंबी फुटेज है और उसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बसें, बसों की छतों में लोग बैठे हुए और सब, एवरी वन ऑफ देम इज फुली चार्ज्ड। लेट हुए हैं लेकिन आई डोंट थिंक सो देर बी इनफ पार्किंग स्पेस और लोग फिट हो जाएंगे इतने ज़्यादा। जितने वेन्यूज अभी तक पीटीआई को गवर्नमेंट ने दिए हैं और जो कैंसिल हो गए हैं ना, आई थिंक वो सारे मिला लेना तो भी आवाम ज़्यादा होगी सिर्फ केपीके की। आई एम नॉट श्योर अबाउट इस्लामाबाद, आई एम नॉट श्योर अबाउट रावलपिंडी और लाहौर और एनीवेयर एल्स। व्हाट आई विटनेस्ड, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अल्लाह हू अकबर। अगर आप कहो ना कि पाकिस्तान दोबारा से आज़ाद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज दैट मोमेंट कि 5:05 पे अली अमीन गड्डापुर का काफिला आया है। एंड अप टिल नाउ, अब ये है कि थोड़ा हो गया था, कम हो गया था, लेकिन गाड़ियां सिर्फ पीटीआई ही की आ रही थी, वो इस वजह से क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंजेस से मैंने खुद मोटर में ज्वाइन करने की कोशिश की है लेकिन दे हैव ब्लॉक्ड इट। सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हाउ केपीके और अली अमीन गंडापुर एंड दीज लॉट ज्वाइन द मोटरवे, बट इट वॉज़न ओपन फॉर नॉर्मल पब्लिक। जीटी रोड वॉज ब्लॉक्ड। वो मैंने सुना है कि दरताजगुल वजीर और उनका जो काफिला आया था, उन्होंने जीटी रोड को खोल दिया, उन्होंने कंटेनर्स गिरा दिए हैं, जितने तोड़ने थे वो तोड़ दिए हैं। और अली अमीन गंडापुर के साथ एम्बुलेंसेस थी, जैमर्स थे, सिक्योरिटी गार्ड थे एंड वाटर टैंकर्स थे, क्रेनें थी, एक्सकेवेटर्स थे, बुलडोज़र थे जो उन्होंने ट्रकों पर लादे हुए थे, और पानी की सप्लाईज थी, पानी की बोतलें थी, खाने पीने की चीज़ें थी, फल फ्रूट थे, सब कुछ था उस काफले के अंदर और सारे जलसे की तरफ जा रहे थे। क्योंकि इस वक्त अगर मोटरवे पे आप कोई और गाड़ी देखते हो तो उसकी सेंस नहीं बनती कि वो सिर्फ उस इस्लामाबाद की साइड पे जा रही है। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी स्टे ट्यून एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, मेक श्योर यू डू दैट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।